गुड इवनिंग एवरीवन। और मैं महावीर कैंतुरा, एग्जीक्यूटिव क्राउन बीएलसी वेल साइंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही पावर पैक्ड ट्रेनिंग हम लोग लेके आए हैं और डर के आगे लिस्ट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हमें डर लगता है इस बिजनेस में, जब लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हमें डर लगता है, जब कुछ लोग जो काम करना बंद कर देते हैं। कई बार आपने कुछ सोचा होता है गोल हासिल करने के लिए, बट अचानक से आपकी टीम के दो या तीन लोग किसी वजह से बिजी रहते हैं और आपको लगता है अब क्या होगा। तो डर के आगे लिस्ट है एक बहुत ही पावर पैक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और कई बार लगता है कि अब यहाँ से कहाँ जाएं, हम समझ नहीं आता किसको प्रोडक्ट बेचें, कहाँ से लोग निकालें। और जैसे आज अगर हम बात करें, आज लॉकडाउन का समय है और ये एक ऐसा समय है जब आपको सेम बिजनेस निकालने के लिए, जैसे पहले जितनी मेहनत में अगर 10 लोगों से बात करने में एक एक्स अमाउंट का बिजनेस होता था, आज उतने ही उसी बिजनेस के लिए आज 25 लोगों से बात करनी पड़ रही है। तो ये एक समय आता है जब आपको, आपके पास कितने लोग हैं, कितनी लिस्ट है आपकी, इससे फर्क पड़ता है। और आज हम लोग बात करेंगे, 1000 लोगों की लिस्ट से पहले रुकना मना है। यस, तो जैसे आप देख रहे हैं, तो आप में से कितने लोगों की 1000 लोगों की लिस्ट है, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पास 1000 लोगों की लिस्ट है। प्राग बाली जी का हाथ खड़ा हुआ है, कुलदीप जी ने हैंड रेज किया है, यस, तो गोपाल जी ने भी हैंड रेज किया है, तो सुवर्णा मैम ने भी हैंड रेज किया है। तो अभी रुकना नहीं है, जब तक 1000 लोगों की लिस्ट नहीं बनी उससे पहले रुकना नहीं है। और अगर 1000 की है तो 2000, 5000, 10000 तक पहुंचना है, लिस्ट बनेगी कहाँ से। तो आज हम लोग बात करेंगे ऑनलाइन, ऑफलाइन और एडिशनल वेज, क्या क्या रास्ते हम निकाल सकते हैं। और जैसे अगर हम बात करें लोग कहाँ से मिलेंगे लॉकडाउन में, लोग कहाँ से मिलेंगे, ये भी हमने एक बात की थी। तो देखिए, बेसिक्स जो है वो सबके लिए होते हैं, न केवल और केवल बिगिनर के लिए नहीं होते। और जो लोग हमेशा बेसिक्स पे काम करते हैं वही डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कामयाब होते हैं। यस, तो रोज सुबह 2 घंटे, क्या हम आज कॉलिंग कर रहे हैं, हमारे जो 40 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन के, अगर हम 2 टीमों में काम कर रहे हैं तो 20 लोग हर टीम से, और अगर हम 4 टीमों में काम कर रहे हैं तो 10 लोग चारों टीमों से, 10-10 लोग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हमारी जो चेक साइज है अचानक से लॉकडाउन में सफर करेगी, क्योंकि बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब मुश्किल समय हो तब तो बेसिक्स करना पूरा, तब तो बेसिक पूरा करना बहुत जरूरी है। तो सुबह 2 घंटे की कॉलिंग आप में से बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या हम 10 लोग कम से कम नए अपनी कॉलिंग में ऐड कर सकते हैं रोज, जैसे आज हमारा जो सेशन था यूट्यूब लाइव, तो पर्सनली मैंने कई लोगों को कॉल किया। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने लोगों को मीटिंग्स में लेके आए, ट्रेनिंग्स में लेके आए। 1000 लोगों की लिस्ट कैसे हम बना सकते हैं, जैसे हमने स्किल फॉर सक्सेस कुछ ट्रेनिंग्स तैयार की हैं, जैसे एक ट्रेनिंग है लीड्स 1000 की, 1000 लोगों की लिस्ट एक दिन में कैसे तैयार करें। वेलकम टू वीएलसी वेल साइंस, जो हमने आज यूट्यूब लाइव किया उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें शेयर की, और निश्चित रूप से आप सभी को बहुत अच्छा फील हुआ होगा उस ट्रेनिंग के बाद। गोल सेटिंग हमने वहाँ पे डिस्कस की, गोल को कैसे हासिल करना है वो हमने वहाँ पे डिस्कस की। इन्विटेशन मास्टरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था जो हमने, बहुत ही इंटरेक्टिव प्रोग्राम था जो हमने किया था। प्रेजेंटेशन मास्टरी रिसेंटली हमने किया था, क्लोजिंग मास्टरी है, लीडरशिप मास्टरी हम एक इवेंट, एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम लोग कुछ मल्टी सेलिंग, कुछ अगर हम कुछ बेस्ट सेलिंग जो किताबें हैं उन पे हम लोग बात करेंगे, जैसे 8 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल है, और भी बहुत सारी किताबें हैं लीडरशिप के ऊपर, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। प्रोडक्ट मास्टरी पे भी हमारा फोकस है लगातार, आप देखिए। और आज रात को 9 बजे फेसबुक लाइव पे हम लोग करेंगे कि हमारा जो प्लान है वो कैसे यूनिक है, कैसे मार्केट से अलग है। तो आप जरूर बने रहिए हमारे साथ, और
हमने पूरी तैयारी की है कि आप लॉकडाउन में भी अपनी जो सक्सेस है उसको अनलॉक कर पाए। जैसे एक मैसेज अगर आप स्क्रिप्ट कर पाए जो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए, जैसे अगर हम बात करें, हम सबके पास अगर हम देखें तो जब हम लोगों से बात कर रहे हैं रोज, अपने 40 लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ प्रोस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना है कि हमारे पास एक स्क्रिप्ट मैसेज होना बहुत जरूरी है जो हम व्हाट्सएप में फ्लैश कर सकें, जो हम फेसबुक में फ्लैश कर सकें, और वो कहीं ना कहीं जैसे हम लोग व्हाट्सएप में स्टार करते हैं मैसेज को, या अगर हम लैपटॉप यूज करते हैं तो लैपटॉप में एमएस वर्ड में हमने कहीं भी वो पेस्ट किया हुआ है, वहां से हम कॉपी पेस्ट करते रहे, या हमने एक कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप बना दिया है जिस ग्रुप में हमने वो मैसेज डाले हुए जो हमें भेजने के लिए चाहिए होते हैं। तो रोज के 100 टेक्स्ट मैसेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारे बिजनेस में बहुत जरूरी है, और ये हम जरूर करें नए नए लोग ऐड करके। एक कॉलिंग स्क्रिप्ट भी हम सेट करें अपने अपलाइन के साथ, अपने मेंटोर के साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस कराएं, जो लोग 10 लोग जो नए आ रहे हैं, क्योंकि जब मेंटोर हमारे कॉल कर रहे होंगे तो बहुत कुछ हमारे लिए लर्निंग रहेगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी जो हमने पहले भी शेयर की थी आपसे, जैसे हमने बात की थी आपसे व्हाट्सअप स्टेटस, बहुत सारे लोग आपका पढ़ते हैं तो व्हाट्सअप स्टेटस रोज होना चाहिए आपका, उसे चेंज करते रहिए। मैसेज, जूम मीटिंग, फेसबुक लाइव मैसेज, यूट्यूब, ये सब हमने कंटिन्यूसली कर रहे हैं। ब्रेकडाउन में सक्सेस को अनलॉक कैसे करें, इस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और अभी हमने तीनों मीडियम पे, क्योंकि कुछ लोग यूट्यूब में कंफर्टेबल थे, कुछ लोग फेसबुक में कंफर्टेबल थे, कुछ लोग जूम मीटिंग में कंफर्टेबल हैं, तो हमने तीनों मीडियम पे हमने कोशिश की है आपको एजुकेट करने की। और अब हम बात करते हैं वो तरीके क्या है जिससे लोग आएंगे। अब आप कहेंगे भाई ठीक है, मैसेज तो हम भेज दें 100 मैसेज, हमारे पास दो दो नंबर हैं जियो के, है ना, जियो के दो दो नंबर हैं, हम भेज दें, लेकिन भेजे किसको? लोग तो होने चाहिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑफलाइन तरीकों से कैसे आप लिस्ट बना सकते हैं, तो जैसे हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, बेसिकली सब जानते ही हैं, और मैं आपको बार 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 बताता हूँ कि हॉट लिस्ट जो है वो हमारे लिए एक तरह से हीरो की खान है। यस, अगर हम हीरो की खान छोड़ के बंजर धरती पे गेती और फावड़ा चला रहे हैं तो आप समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो पहली बात यह है कि सारे के सारे जो मेथड है, ये बाद में जितने भी मेथड्स मैं आपसे शेयर करूंगा, सबसे पहली जो चीज है वो है आपकी हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट में कोई छूट ना जाए, मतलब बहुत ध्यान से हमें देखना है कहीं ऐसा तो कोई नहीं है जो हमारी हॉट लिस्ट में और छूट रहा है। तो हॉट लिस्ट इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हमें मिस नहीं करना। कई बार क्या होता है, हम फेसबुक में, व्हाट्सएप में, ये भी जरूरी है, बट मेन थिंग क्या है कि हॉट लिस्ट पे हमें देखना है कोई छूट ना जाए। उसके बाद वार्म लिस्ट, जिनसे हम रोज मिलते हैं, कुछ ना कुछ जिनसे कुछ ना कुछ हम खरीदते रहते हैं। कोल्ड लिस्ट स्ट्रेंजर्स, मतलब अगर हम 135 करोड़ में से हॉट लोग हटा लें, वार्म लोग हटा दें, तो 134 करोड़ समथिंग यहाँ पे है। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम प्रायोरिटाइज कर सके कि पहले किसको बताना है। लिस्ट पहला काम है, लिस्ट बनाना, एक मैसिव लिस्ट बनाना, एक बहुत बड़ी लिस्ट बनाना, उसके बाद ये देखना कि पहले किसको बताएं। यस, इससे क्या होता है कि एक एटीट्यूड आता है, इससे एक देने की भावना आती है। जब आपके पास आपकी लिस्ट में 5,000, 10,000, 25,000 लोग हों, तो आप जब किससे बात करेंगे तो आप ऐसे बात करेंगे जैसे आप उसको कुछ दे रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुरुआत में जो क्लोज लोग हैं उनसे हम उनसे थोड़ा प्रोडक्ट शेयर करें तो अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली उनसे बिजनेस की बात करें तो कई बार क्या होता है कि वो रजिस्टर कर जाते हैं। इसके अलावा सोशल नेटवर्क को बढ़ाते रहना है। लिस्ट का जो फॉर्मेट है, नाम, फोन नंबर, प्रोफेशन क्या है, जरूरत क्या है उनकी, डिसीजन मेकर है या नहीं है, पैसा है या नहीं है उनके पास, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से हम लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से काफी बढ़िया रहता है। प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसे बनाते हैं? नॉर्मली बहुत बेसिक बात है, फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल, थर्ड सर्कल। फर्स्ट सर्कल में वो लोग आते हैं जो आपको आपकी आवाज़ से पहचानते हैं, आपके चेहरे से पहचानते हैं, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पड़ोसी। सेकंड सर्कल में आते हैं कलीग्स, जो आपके कलीग्स हैं। सोशल सर्कल जो है आपका, जिनसे आप कुछ ना कुछ खरीदते हैं। थर्ड सर्कल में आते हैं अजनबी लोग,
और जैसे डर के आगे लिस्ट है, जो हमारी टॉपिक का नाम भी है, लिस्ट की फुल फॉर्म होती है लेट्स इनवाइट समवन टुडे, चलो आज किसी को इनवाइट करते हैं। तो इनवाइट फिलहाल तो लॉकडाउन में हम इनवाइट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी रोज तो बात कर ही सकते हैं। और ये एक सही समय है अगर मैं देखूं, जैसे कल राजेंद्र बाबा जी ने शेयर किया था कि हर ग्लोबल रिसेशन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ती है, क्योंकि लोगों की सैलरी कम हो जाती है, लोगों के गोल्स पूरे करने के लिए उन्हें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए ही चाहिए होती है। तो ये सही समय है, और लोग घर पे इस समय तो आप जितने लोगों तक पहुंच पाए उतना कम है। सी मोर पीपल सो मोर प्लान्स, जैसे कहा जाता है, सी मोर पीपल सो मोर प्लान्स, ज्यादा लोगों को देखो, ज्यादा प्लान दिखाओ। अथॉरिटी फाइंड करना बहुत जरूरी है ना, डिसीजन मेकर कौन है। कई बार क्या होता है, हम प्लान दिखा रहे होते हैं उन लोगों को जिनके पास खरीदने की अथॉरिटी नहीं है, डिसीजन लेने की अथॉरिटी नहीं है। क्लोजिंग के ऊपर जो हमने वर्कशॉप की थी, आप में से बहुत सारे लोग उसमें थे, तो क्लोजिंग जब हम कर रहे थे तो हमने पहली चीज आपको बताई थी कि क्लोजिंग करने से पहले ये ध्यान रखना है कि डिसीजन मेकर कौन है, उससे बात करनी है हमें क्लोजिंग के लिए, है ना। तो मेमोरी जॉगर्स पे हम लोग ज्यादा बात करेंगे आज, और इसके अलावा एल्बम, मैरिज एल्बम हो सकती है, एडवर्टीजमेंट हो सकता है, रेफरल बहुत पावरफुल चीज है हमारे बिजनेस में। ये हीरे के खान के बाद अगर मैं देखूं तो सोने की खान है रेफरल। एक कामयाब व्यक्ति जब हमें रेफरल देता है, एक कामयाब आदमी जब हमें रेफरल देता है, उसकी बात ही अलग है। यस, और अगर मैं बात करूं आपसे, यहाँ पे कुछ मेरे ख्याल से पराग जी और कुलदीप जी दोनों को शेयर करना चाह रहे हैं, तो मैं इसको खत्म करके फिर उनको इन्वॉल्व करता हूँ। तो मेमोरी जॉगर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत ही कमाल की चीज है जो हम लोग अभी शेयर करेंगे आपसे। और इंटरनेट से भी लोग निकाले जा सकते हैं, हम सभी जानते ही हैं। इसके अलावा अजनबी लोग को कैसे बिजनेस में लाना है, उस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं। अब लिस्ट बना दी बहुत लंबी, पहले किससे मिले, तो एक फॉर्मूला होता है, हार्डवर्किंग कौन है, एम्बिशियस कौन है, इंटेलिजेंट कौन है, लुकिंग फॉर ऑप्शन कौन है। जिनके पास चारों टिक आ रहे हैं वो हमारे लिए सबसे बढ़िया है। यस, जिसपे 3 आ रहे हैं उससे भी मिल सकते हैं, जिसपे 2 आ रहे हैं उसपे मिलने का जोखिम हमें तभी उठाना है जब 3 और 4 वाले हमारे पास नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे मेमोरी जॉगर्स के बारे में अगर हम बात करें, जैसे आज मैंने सबसे शेयर किया था तो देवेंद्र राठौर जी ने मुझे शेयर किया। मेमोरी जॉगर्स की अगर हम बात करें, आपकी अपनी फैमिली में, फैमिली मेंबर, फादर मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, तो बहुत सारे लोग, अंकल आंटी कजिन, कोई छूट ना जाए। क्योंकि देखिए मेन क्या है, हॉट कॉन्टेक्ट क्या है आपके, ये आपके लिए हीरो की खान है। जो आपको ऑर्गेनाइजेशन में और क्लब में मिलते हैं, है ना, सिविक ग्रुप में, पॉलिटिकल क्लब्स में, लाइब्रेरी में, मर्चेंट्स हैं, स्कूल ग्रुप्स हैं, टीचर्स ग्रुप्स हैं, लोग जो डिसीजन मेकर हैं, बिजनेस ओनर्स, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर्स, ऑफिस मैनेजर्स, तो पूछते रहिए। मेमोरी जॉगर्स क्या होता है, अपने दिमाग से पूछते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए, पूछते रहिए, लिस्ट बनाते रहिए। आपके क्लोज फ्रेंड जिनसे आप हाल ही में जिनसे आप मिले हैं, फ्रेंड्स, नेबर्स जिनके साथ आप काम करते हैं, रिलीजियस सर्कल कौन सा है आपका, है ना, कोई पुजारी हो सकते हैं आपके आसपास कोई पुजारी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स ग्रुप, क्लब्स, जिनसे पास्ट में स्कूल में जब पढ़ते थे, पास्ट में काम करते थे आपके साथ, आपके होम टाउन में जो लोग थे, पास्ट की जॉब्स, पास्ट की इन्वॉल्वमेंट, सबकी लिस्ट बनाइए। बहुत समय है इस समय आपके पास। डॉक्टर्स सोचिए, डॉक्टर्स कौन कौन है आपका, लॉयर कौन कौन है, बारबर कौन कौन है, मर्चेंट्स कौन कौन है, ग्रोसरी वाला कौन है, ड्राई क्लीनर कौन है, पोस्टल वर्कर कौन है, ब्यूटिशियंस, लिस्ट बनाइए ब्यूटिशियंस की, ज्वेलर्स की, सर्वर्स की, कौन कौन लोग सेल्स में है, बिजनेस की सेल्स में कौन कौन है, आईटी की सेल्स में कौन कौन सा है, इंश्योरेंस कौन कौन बेचता है, कार कौन कौन बेचता है। तो ये मेमोरी जॉगर्स है। मेमोरी जॉगर्स से क्या होता है, आपको लोग मिलते हैं। अकाउंटिंग किसको जानते हो आप, अकाउंटिंग में किसको जानते हो, एक्टिंग में किसको जानते हो, एडवर्टाइजिंग में किसको जानते हो, एरोबिक्स में किसको जानते हैं, तो इतने सारे सवाल अगर आप अपने आप से पूछेंगे, एंटीक में, ऑटोमोबाइल में, बैंकिंग में, बार्बर, बास्केटबॉल, फार्मिंग, फायरमैन, गवर्नमेंट जॉब में कौन कौन है, ग्राफिक आर्ट्स में कौन कौन है, लोन्स में कौन कौन है, मैथमेटिक्स किसने पढ़ाई थी आपको, मेंटल हेल्थ,
आप ही देखिए प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में कौन है, प्रिंटिंग में कौन है, साइकोलॉजिस्ट कौन है, तो इतनी सारी लिस्ट, मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है कि कोई भी छूटने वाला नहीं है आपसे। रेंटल एजेंसी, रिपोर्टर्स, रिसॉर्ट्स, रेस्ट होम्स, रेस्टोरेंट, बाइसिकल्स, हार्डवेयर, हेल्थ क्लब। अब इसमें क्या है कि कुछ चीजें हैं जिनको आप पहले देख सकते हैं, जैसे हेल्थ क्लब वाले तो छूटने नहीं चाहिए आपसे, हेल्थ क्लब वाले, नेचुरोपैथ वाले, डॉक्टर्स, ब्यूटिशियंस, ये तो बिल्कुल भी छूटने नहीं चाहिए आपसे, इनको, इनके पास इंश्योरेंस वाले, तो बहुत सारे तरीके से आप देख सकते हैं। योगा कौन कौन सिखाता है, टीचर्स, टेलर्स, टैनिंग, यूनिवर्सिटीज, यूज्ड कार्स, टूल्स, वेडिंग्स, प्लानर कौन कौन है। जैसे ये भी एक तरीका है, आप अपने आप से पूछ सकते हैं कि अडोनी आंध्र प्रदेश में मैं किसी को जानता हूँ क्या, आगरा में किसी को जानता हूँ क्या, अहमदाबाद में, अलाहाबाद में, अलवर में, सिटी वाइज, देहरादून में, दिल्ली में, दुर्ग में। इनफैक्ट मैं जब किसी का भी नंबर सेव करता हूँ तो पहले मैं उसका नाम लिखता हूँ, उसके प्रोफेशन लिखता हूँ, फिर वो कौन से शहर में ये लिखता हूँ, और वो कई बार उसकी जो पास्ट की जो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो मैं लिखता हूँ। तो आप भी ऐसे शेव कर सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है लिस्ट बनाने का। और इससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा हुआ है कि प्रेम दुर्ग फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, प्रेम दुर्ग FLP, और मैंने कोड दिया हुआ M1। M1 का मतलब है कि चलो ठीक है फटाफट से मुझे जिनको लेके आना, जो महत्वपूर्ण लोग हैं, मेन लोग हैं। तो जब भी मैं दुर्ग जाऊंगा, मैं दुर्ग डालूंगा सर्च में और सारे लोग आ जाएंगे दुर्ग के। फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कुछ चैलेंज आया, मैंने FLP डाला, सारे लोग FLP के आ गए। तो ऐसे भी आप लिस्ट बना सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा तरीका है लिस्ट का। फरीदाबाद में किसको जानते हो आप, फिरोजाबाद में किसको जानते हो, गांधीनगर में किसको जानते हो, गैंगटॉक में किसको जानते हो, गुंटूर में किसको जानते हो, गुवाहाटी में, कोची में, तो मेहसाना में किसको जानते हो, मथुरा में। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट आपकी बन जाएगी अगर आप इसको फॉलो करते हैं। तो पुणे, पूर्णिया, रायबरेली, रायचूर, सिकंदराबाद, शिवपुरी, तो इस तरीके से भी आप लिस्ट बना सकते हैं। एड्रेस बुक बहुत अच्छा तरीका है। बिजनेस कार्ड्स जैसे आप बहुत सारे लोग कलेक्ट करते रहते हैं, वेडिंग कार्ड लिस्ट, नेबरहुड लिस्ट, कॉलेज फ्रेंड्स, कोवर्कर, ओल्ड कोवर्कर, टीचर्स, ये भी एक तरीका है, पेरेंट्स, ब्रदर्स, तो इस तरीके से भी आप लिस्ट बना सकते हो रिलेटिव्स की। आपका अकाउंटेंट कौन है, आपकी एसोसिएशन का मेंबर कौन है, आपका ऑटो का मैकेनिक कौन है, बस ड्राइवर कौन है, कार किसने बेची थी आपको, तो ये बहुत सारे तरीके हैं। डॉक्टर के ऑफिस में एम्प्लॉई कौन कौन है, फायरमैन कौन कौन है, फिशिंग में कौन कौन जाता है आपके साथ, कौन आपके साथ क्रिकेट खेला करते थे, कौन आपका लॉयर है, कौन आपका, आजकल सब घर पे बैठे हुए हैं सबके सब, तो ये लिस्ट का मैक्सिमम यूज हो सकता है कि अभी सबके नंबर आप लिस्ट करो, सबको व्हाट्सएप भेज दो वर्क फ्रॉम होम, मीटिंग्स में बुलाओ उनको, फेसबुक लाइव में, मेंटेनेंस पर्सन कौन है, पॉलिटिक्स में कौन था, MLM फ्रेंड्स कौन है, नेवर्स कौन है, फ्लोरिस्ट कौन था, ये सारे के सारे लोग, किसने मुझे बेचे थे, अप्लायंस किसने बेची थी, कार किसने बेची थी, TV किसने बेचा था, स्टीरियो किसने बेचा था, शादी की शॉपिंग कहाँ से हुई थी, बस ड्राइवर जिसको मैं जानता हूँ, इलेक्ट्रिशियन जिसको मैं जानता हूँ, नर्स जिसको मैं जानता हूँ, डॉक्टर जिसको मैं जानता हूँ, ब्यूटिशियन जिसको मैं जानता हूँ। तो ये हमने शेयर किया, और इसी बीच हम लोग अभी पराग जी को शेयर करना चाह रहे थे शायद। हाँ पराग जी, वो मैंने पहले ही सर हैंड रेस किया हुआ था, वो एक्चुअली वो तभी उसी टाइम का था, मैं तो अभी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं सर अच्छी तरीके से, मेरे को मेरे से क्वेश्चन था अभी। ओके सर, ओके। तो इसके अलावा तो ये हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस तरीके से निकल सकते हैं, और रेफरल्स इसके, अगर मैं देखूं रेफरल हमारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर मैं पराग जी की बात करूं तो पराग जी भी हमारे बिजनेस में आए थ्रू रेफरेंस, क्योंकि हम रमोला जी से मिले, रमोला जी को ज्वाइन कराया, रमोला जी के थ्रू पराग जी आए, रमोला जी भी हमारे पास रेफरेंस से आए, रमोला जी जैसे बहुत अच्छे लीडर हैं, उदीना जी के थ्रू आए। तो देखिए एक तो तरीका ये हो गया कि
उदीरा जी ने मेरे साथ बहुत समय पहले ज्वाइन किया, फिर उनके 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 बाद बहुत टाइम बाद मैं रमोला जी से मिला, और रमोला जी के थ्रू मैं बहुत टाइम बाद प्राग जी से मिला। लेकिन एक तरीका ये हो सकता है कि अभी बैठ के अगर आज उदीरा जी ने शुरू किया है तो मैं उनसे ये लिस्ट बनाऊं, तो हो सकता है कि वो जो 6 महीने साल भर 2 साल का वेट मुझे करना पड़े रमोला जी के लिए वो नहीं करना पड़ेगा, या रमोला जी के साथ प्राग जी से मिलने के लिए जो मुझे 6 महीने का वेट करना पड़ा। अगर मैं रुपेश जी की बात करूं, रुपेश जी भी मेरे बिजनेस में रेफरल के थ्रू ही आए थे, मैंने एक आदमी को स्टार्ट किया था और उनके थ्रू मैं रुपेश जी तक पहुंचा था। तो रेफरल्स जो होते हैं ये बहुत जबरदस्त चीज होती है, और सेटिस्फाइड कस्टमर के जो रेफरल्स होते हैं उसकी बात ही अलग है। अगर हम बात करें जो संतुष्ट ग्राहक जो आते हैं, सेटिस्फाइड कस्टमर जो हमारा संतुष्ट ग्राहक है, जिसको रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद तो उससे तो हमें बहुत सारे लोग मिल सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम एक डिससेटिस्फाइड आदमी की लिस्ट पे काम करते हैं और हम मेहनत भी करते हैं, फिर वो फोन करता है उसको, वो कहता है यार तो बेकार काम है, जो आदमी मीटिंग्स में नहीं आ रहा, ट्रेनिंग्स में नहीं आ रहा, सिस्टम में ही नहीं है, तो उसके रेफरेंस में काम करके रिजल्ट थोड़ा मुश्किल मिल पाते हैं। सक्सेसफुल लोग आपके चारों तरफ कौन कौन है, क्योंकि सफल लोगों के थ्रू जब जाएंगे तो क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। यस, आप एक स्कूल के प्रिंसिपल्स को आपने बोला कि सर हम एक सेशन करना चाह रहे हैं हेल्थ के ऊपर, तो प्रिंसिपल के थ्रू आपने वहां पे सेशन किया, और प्रिंसिपल के थ्रू अगर आप किसी स्टूडेंट के पास जाओगे कि अरे वो शर्मा जी ने नंबर दिया आपका, तो अच्छा मेरे प्रिंसिपल ने दिया, आप सर बिल्कुल आइए। तो सफल लोगों के रेफरल, सेटिस्फाइड कस्टमर के रेफरल्स, आपके डाउनलाइंस जो आपकी एक्टिव डाउनलाइंस हैं, जो सिस्टम को फॉलो कर रही हैं, जो मीटिंग्स ट्रेनिंग्स में लगातार आ रही है। देखिए, जो आदमी सीखने को तैयार है उसकी लिस्ट पे ही हम काम कर पाएंगे। अब एक आदमी अगर प्रोसेस में ही नहीं है तो उसकी लिस्ट पे काम करना कुछ ऐसा है कि एक समय के बाद, क्योंकि वो सिस्टम में कभी आ नहीं पाएंगे। लेकिन फिलहाल, लेकिन इनिशियली अगर आपको तो बिजनेस बड़ा करना है, आपको तो ग्रोथ लेनी है, तो आपको तो लोग चाहिए ही चाहिए। अगर कोई इनएक्टिव आदमी भी आपकी नेटवर्क में है जो कुछ नहीं कर रहा, बट आपको तो लोग चाहिए, तो ये आप कर सकते हैं। और जैसे अभी तो हम ये सजेस्ट नहीं करेंगे, बट ये भी एक अच्छा तरीका होता है कनोपी एक्टिविटी। हालांकि हम इनिशियल अपने करियर के इनिशियल टाइम पे हमने ये किया था, जैसे जब मैं इस इंडस्ट्री में बिल्कुल नया था, तो जैसे मेरे घर से बहुत दूर शिवालिक नगर एक जगह है हरिद्वार में, यहाँ से मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 70-80 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे हम कनोपी लगाते थे, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते थे हमारे पास, और काफ़ी सारे लोगों ने कनोपी लगाई है हमारे साथ। मॉर्निंग वॉक, ये बहुत अच्छा तरीका है, मॉर्निंग वॉक के थ्रू कॉलेज के पास मॉर्निंग वॉक जहाँ पे हो रही है वहाँ पे अगर आप कैनोपी लगा ले, और कैनोपी का मतलब हमें प्लान नहीं समझाना आपने, केवल नंबर एक्सचेंज समझे, है ना। जैसे कोई मशीन ले लिया आपने, मशीन भी नहीं ली आपने, आपके मोबाइल में आपने एक ऐप डाल दी BMI ऐप, बॉडी मास इंडेक्स, तो जैसे ही आपको एक व्यक्ति मिला, जैसे सपोज मैं मिल गया आपको, तो आपने कहा आपने उसने देखा एक कैनोपी लगी हुई है, उसने बोला अरे सर आप क्या VLCC से हो, मैंने कहा बिल्कुल, अच्छा बताइए सर हम एक बॉडी मास इंडेक्स टेस्ट कर रहे हैं, तो उसने कहा बताइए आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, सर आप ओवरवेट हैं, इसके लिए हम आपसे मिलेंगे। तो BMI ऐप आप अपने मोबाइल में डाल सकते हैं, मोबाइल में ही कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ मशीनें आती है मार्केट में, जैसे ओमरोन की मशीन आती है जिसमें आप बॉडी एज निकाल सकते हैं, बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं, विसरल फैट कितना है वो निकाल सकते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। और इस समय तो बहुत ज़रूरी होगा, जैसे जब ये जिस दिन भी ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म होगा, तो दो चीजें होंगी, एक तो लोग हेल्थ को लेके बहुत ज्यादा अवेयर हो चुके होंगे, तो आपको मॉर्निंग वॉक में बहुत लोग दिखाई देंगे, दूसरा लोगों की जो सैलरी है वो काफी कम हो चुकी होंगी, लोगों की जो जॉब्स हैं, कई लोगों की जॉब जा चुकी होगी, तो अगर वहां पे आप ये कर रहे होंगे तो उसका भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मार्केट, शॉपिंग मॉल, सोसाइटी, नेबरहुड, तो अभी हमने बात की ऑफलाइन वेज की, ना कोई ऐसा है हमारे साथ जिसके पास और आइडिया हो ऑफलाइन में, तो कोई चीज छूट गई हो। अब हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन की, ऑनलाइन तरीके क्या हैं, ऑनलाइन तरीके जैसे हम बार बार बात करते हैं, जैसे आपने कीवर्ड सर्च किए, है ना, गूगल पे जाके वेलनेस प्रोडक्ट सर्च कर दिया आपने, वेलनेस प्रोडक्ट सर्च कर दिया, वर्क फ्रॉम होम डाल दिया यहाँ पे, तो जिस किसी ने भी वर्क फ्रॉम होम का कभी ऐड दिया हो उसका नंबर आ जाएगा, किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का आपने नंबर डाला, तो गूगल क्या है, जैसे आज की डेट में अगर हम देखें गूगल को, तो गूगल क्या है, गूगल है अलादीन का जीनी, जो हुक्म है मेरा का। तो आप मुझे फटाफट से, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आपको मुझे चैट बॉक्स में बताना है फटाफट से आप क्या सर्च करना चाहेंगे इस पे, फटाफट से।
तो अभी तक कोई जवाब नहीं आया, बट अगर आप देखें जैसे वेलनेस प्रोडक्ट डाला हमने तो कुछ के नंबर आ गए यहाँ पे, और इस पे जब आप क्लिक करेंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो जैसे न्यूट्रिशन एंड वेलनेस सेंटर डाला है यहाँ पे गोपाल जी ने, तो ऐसे ही कुछ हो सकता है, जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो नंबर आ जाएगा। लोग भरे पड़े हैं, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, मुझे ये लगता है कि हम सबके पास जो सबसे बड़ी एसेट है हमारी वो है हमारा समय। कई बार क्या होता है, हम कुछ लोगों पे रुक जाते हैं, कुछ ऐसे लोगों पे हम रुक जाते हैं जो ना बदलने के लिए तैयार है, जो दो ग्रुप भी डेवलप नहीं कर पा रहे, हम ऐसे लोगों पे रुक जाते हैं। बट मार्केट में ऑलरेडी ऐसे लोग हैं जो 6-6 ग्रुप, 12-12 ग्रुप, 15-15 ग्रुप में काम कर रहे हैं, जो ऐसी ऐसी कंपनी में, जो ऐसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एक सजेस्ट किया यहाँ पे हमारे साथ जो सैनी जी हैं उन्होंने, ठीक है, तो और एक और आइडिया दिया हरिराम जी ने कि जस्ट डायल में भी सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल हम उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट एक आसान टारगेट हो सकते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जो नेचुरोपैथ हैं, जो अल्टरनेटिव थेरेपीज वाले लोग हैं, क्योंकि वो एलोपैथिक दवाइयाँ डायरेक्टली लिखने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत नहीं है, वो एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिख सकते, तो उनको चाहिए ऐसे प्रोडक्ट्स जिसको वो रिकमेंड कर सकें इजीली, और तो ये बढ़िया, ये हमारे लिए अच्छा रहता है अगर हम उनको लाते हैं। केमिस्ट शॉप नियर मी डाला तो केमिस्ट शॉप आ गई, ठीक है, और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा यहाँ पर, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो ऐसे खुल जाएगा, यहाँ पे इनका नंबर ले सकते हो आप, तो लिस्ट बनाना आसान है। कॉन्टेक्ट डिटेल पे क्लिक किया, ये रयाल मेडिकल स्टोर आ गया, इनका नंबर आ गया। इंडिया मार्ट पे जाइए, ठीक है, इंश्योरेंस एजेंट डालिए आ जाएगा, जो आपको खोजना है आप खोज सकते हैं इंडिया मार्ट की ऐप पे, जस्ट डायल पे जाइए जाइए, जैसे मैंने यहाँ पे डाला एक कंपनी का नाम डाला, तो जैसे ही क्लिक किया तो उसके नाम आ गए, ठीक है, कुछ भी डालेंगे आप वो आ जाएगा, तो यहाँ से आप लोग निकाल, जस्ट डायल में बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट हैं, आप डालिए सप्लीमेंट सेलर, सप्लीमेंट वाले आ जाएंगे, प्रोटीन पाउडर सेलर, प्रोटीन पाउडर वाले आ जाएंगे, तो इस तरीके से आप लोगों के नंबर निकाल सकते हैं। यस, IRDA पोर्टल, जैसे ये एक आइडिया था जो हमने लास्ट टाइम भी शेयर किया था, इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आप जाएंगे IRDA के पास क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा एजेंट लोकेटर, एजेंट लोकेटर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इंश्योरेंस टाइप, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कंपनी के नाम डाल दीजिए, HDFC डाल दीजिए, बिरला सन लाइफ डाल दीजिए, ICICI प्रूडेंशियल डाल दीजिए, उत्तराखंड, देहरादून, पिन कोड नंबर, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका लिस्ट आ जाएगी, बहुत सारे लोगों के आप नाम निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे हमें तो इंश्योरेंस का कोई आइडिया नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी का पता ही नहीं है, तो आप गूगल पे डालिए इंश्योरेंस, आप डालिए IRDA मेंबर, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी के नाम आ जाएंगे, तो वो डालते रहिए निकालते रहिए, डालते रहिए निकालते रहिए। तो प्राइवेट कंपनीज जितनी भी इंश्योरेंस की है, वहाँ पे क्या होता है कि लोग आते हैं 6 महीने बाद छोड़ देते हैं, ज़्यादातर लोग जल्दी जल्दी छोड़ देते हैं, तो आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट यहाँ से आ सकती है। और ये सारे वो लोग हैं जो, देखो जिस आदमी ने एक बॉन्ड पेपर बेच दिया वो कुछ भी बेच सकता है, यहाँ पे तो उसको 1000 रुपए में 1200 का प्रोडक्ट बेचना है नेटवर्क मार्केटिंग में। YouTube से भी आप लिस्ट निकाल सकते हैं, YouTube में आपने डाला मोरिंगो ऑर्गेनिक, किसी MLM कंपनी का नाम डाला, आपके लोगों के नाम आ गए, इस पे क्लिक करेंगे नीचे बहुत सारी लिस्ट आ जाएगी, कंपनी का नाम डालिए, यहाँ पे भी लोग आ सकते हैं। यस, तो मेरे हिसाब से आसान है लिस्ट बनाना, मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के नाम डालिए, जो कोई कंपनी बहुत पुरानी थी कोई नई थी, एक कंपनी का आपने प्लान अच्छे से समझ लिया एक बार कि उस कंपनी का बिजनेस वॉल्यूम लैप्स होता है, उसमें डिफरेंशियल इनकम है, उस कंपनी में लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो आपने उस कंपनी का प्लान को स्टडी किया और उसके लोग खोजने शुरू कर दिया आपने। अब जैसे ये कंपनी है, इस कंपनी में 4 साल पहले 586 लोगों ने ये वीडियो देखा, इस पर क्लिक करोगे तो बहुत सारे लोगों के नाम वहाँ पे जाएंगे, आपको कमेंट्स में नाम होंगे, ऐसे भी लोग निकाल सकते हो आप। फेसबुक से भी पैसा आता है क्या? तो फेसबुक से भी पैसा आ सकता है, अगर हम देखें तो जैसे जब मैंने वेल साइंस स्टार्ट किया तो मेरे पास लोग नहीं थे, क्योंकि मैं पिछले 4 सालों में मैंने बहुत लिमिटेड जगह पे काम किया था, ऋषिकेश हरिद्वार में ही मैंने काम किया था, क्योंकि इंश्योरेंस में तो हमें जरूरत ही नहीं पड़ती थी किसी और की। तो बट जब मैं दोबारा से वेल साइंस में आया तो फिर मैंने फेसबुक में थोड़ा सा काम करना शुरू किया, मैंने सीखा, क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर पाता था, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे लिए बहुत मुश्किल था टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना, तो जो हमारी ट्रेनिंग है
सोशल मीडिया को काम पे कैसे लगाएं, जो हमारी एक ट्रेनिंग है, वो ट्रेनिंग आप जरूर अटेंड करें, वो ट्रेनिंग भी हम लोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें, जैसे आपने डाला यहाँ पे ऋषिकेश, तो ऋषिकेश के ऑल डाला तो ये आ गया, पोस्ट डालेंगे तो ऋषिकेश की पोस्ट आ जाएगी, पेज डालेंगे ऋषिकेश, ग्रुप डालेंगे तो ऋषिकेश ग्रुप आ जाएंगे। यस, तो ये तरीका है जहां से आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये कोई ये अगेन आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप काम करेंगे स्ट्रेंजर के ऊपर। तो स्ट्रेंजर के ऊपर आप काम तभी कर पाएंगे जब आपकी स्किल्स डेवलप हो चुकी होगी, जब आपके पास दिखाने के लिए कुछ होगा। VLCC एक बढ़िया कंपनी है, एक बढ़िया ब्रांड है, और डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपनी वोकैबुलरी सेट करनी पड़ेगी। वो जो 40 कॉल है रोज की, देखिए सब सक्सेस के जो फंडामेंटल्स है, मैंने कई फॉरेन ऑथर की बुक्स पढ़ी हैं, और जब मैं वो फॉरेन ऑथर्स की बुक पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि वो सारी चीजें हम लोग कर रहे थे अननोइंगली, हम लोग बिना एक्सीडेंटली या अननोइंगली हम उसे कर रहे थे। हालांकि जो एक फॉरेन ऑथर था उसने उसको कोई टेक्निक का नाम दिया था। रोज अगर आप 2 घंटे सुबह 40 लोगों से बात कर लेते हैं तो 1 महीने बाद आपके अंदर अपने आप स्किल्स आ जाएंगी, क्योंकि मार्केट जो सिखाएगी आपको, मार्केट जो आपको सिखाती है वो कोई नहीं सिखाता। तो वो 2 घंटे की जो कॉलिंग है, जैसे आज हमने सुबह यूट्यूब लाइव किया, अभी हम लोग ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, बट बहुत ज्यादा हैरानी की बात ये होती है कि लोग अपने लीडर्स को ही कॉल नहीं करते, लोग अपने लोगों को ही मीटिंग में नहीं बुलाते। तो अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आपके देखो इस जूम मीटिंग का मकसद क्या है, अगर मैं देखूं, या मैं जो आज यूट्यूब लाइव कर रहा हूँ, जूम मीटिंग से यूट्यूब लाइव में जाने का मकसद क्या है, या जूम मीटिंग से फेसबुक लाइव में जाने का मकसद क्या है, कि ज्यादा लोगों तक हम पहुंचे, क्योंकि जूम मीटिंग में एक लिमिट है कहीं ना कहीं, है ना। तो यूट्यूब लाइव में जाने का मकसद ये है कि 500, 1000, 1500, 5000, 10000 लोग एक बार हमारी मीटिंग में आ सके। फेसबुक लाइव में भी यही मकसद है ना, जैसे हमने लास्ट टाइम जो ट्रेनिंग की थी उसमें 1000 व्यू आ चुके हैं ऑलरेडी, उस वीडियो को 1000 लोग देख चुके हैं। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर हम इसका फायदा नहीं उठाएंगे, क्योंकि जो मीटिंग्स और जो ट्रेनिंग्स हम कर रहे हैं, ये जो कंटेंट है ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंट है, और ये कंटेंट आपके लिए स्पेशली तैयार किया गया। भले ही इसके पीछे जो मेहनत है वो आपको ना करनी पड़ रही हो, या लेकिन आप खुद सोचिए इसकी एक वर्थ है। अगर आज की स्थिति ये होनी चाहिए थी कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सर हमारे पास 100 लोग तैयार है, हमारे आप 100 लोग आने लगे हैं मीटिंग में, यस, तो आपके 100 लोग जूम मीटिंग में कैसे आ सकते हैं? अगर हमारे 100 में से आपके 10 लोग आ रहे, 15 लोग आ रहे, और हम इतने समय से हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह है। बिजनेस कैसे बढ़ेगा, बिजनेस आपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा अगर आपके 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग ही अभी तक जूम मीटिंग में आ रहे हैं? क्योंकि इसके पीछे की जो मेहनत है वो अगर हम नहीं करेंगे तो देखिए, मैंने तो गोल सेट कर लिया कि मुझे 25 नवंबर 2020 में 30 लाख रुपए महीना कमाना है, और कमाना ही कमाना है। बट आपको वो 30 लाख रुपए महीना कब आएगा, आपको वो 10 लाख रुपए महीना कब आएगा, आपको वो 2 लाख रुपए महीना कब आएगा, जब आपके लोग इस मीटिंग में होंगे। और जो लोग अभी जूम मीटिंग में नहीं आ रहे, वो उनसे आप ये कल्पना करना छोड़ दो कि वो कभी मीटिंग में आएंगे। जो आदमी 24 आवर्स घर पे बैठा है, आज की डेट में सरकार कह रही है घर पे बैठो, वो अगर आज आपका डाउनलाइन, आज जूम मीटिंग में नहीं आ रहा, आज वो फेसबुक लाइव में नहीं आ रहा, आज वो यूट्यूब लाइव में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आप गलत लोगों के साथ काम कर रहे हैं। क्या हम 100 नए लोग नहीं ला सकते थे अभी तक? हम लोग ये जो जूम मीटिंग है ये बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, और कर्फ्यू जैसी स्थिति है काफी टाइम से। लेकिन अगर हम आज देखें, आज 3 अप्रैल है, 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को अगर हमारे पास, क्योंकि देखो हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद ये है कि हम आपको सिखाएं कि यूट्यूब लाइव आप कैसे कर सकते हैं, जूम मीटिंग आप कैसे कर सकते हैं, ये हम आपको सिखाएं। तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा हम लोग इसको सीरियसली लें, जो हमारी 3 मीटिंग्स हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी एफर्ट इसमें इन्वॉल्व होती है, बहुत सारी लर्निंग इसमें इन्वॉल्व होती है। और मैं अगर आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे तो ये लग रहा है कि मैं एक एक्स्ट्रा एक
घंटा अपनी जिंदगी में कैसे शामिल करूं, मतलब इतनी इतनी ज्यादा व्यस्तता है। अभी मैंने कल ही एक ऐप डाउनलोड की थी, अभी मैंने एक वीडियो एडिटिंग ऐप डाउनलोड की, साल भर के लिए खरीदी 12-13 सौ रुपए में, बस उसको भी सीखना है मुझे। मैंने विवेक बिंद्रा जी का जो कोर्स है वो भी लिया हुआ है, उसमें भी इतने सारे वीडियोज हैं, इतनी सारी ट्रेनिंग्स हैं, मतलब 70-80 हज़ार रुपए की ट्रेनिंग्स वो है, मुझे वो भी देखनी है। जो मैंने एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स किया था, मुझे उसको भी रिवाइज करना है, और उस सब के बावजूद मुझे यहाँ पे ट्रेनिंग्स भी बनानी है, और मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना है। बट उसके बावजूद भी हम अपने लोगों को क्यों नहीं ला पा रहे इस ट्रेनिंग सिस्टम में? क्योंकि देखिए, मेरा काम तो इसे चल जाएगा, लेकिन आपका काम कैसे चलेगा? आपका काम अगर आप वो 2 घंटे की कॉलिंग नहीं करोगे, देखिए क्योंकि मेन क्या है कि लोग, और फिर लोग आपको सवाल करते हैं, लोग फिर वो आपको सवाल करते हैं, लोग फिर वो हमें सवाल करते हैं कि सर आप कहाँ पहुंचे, आपने आप कहाँ पहुंचे, या लोग आपको पूछेंगे सर आप कहाँ पहुंचे, आपकी सक्सेस क्या है। देखिए 8 अप्रैल को मेरा बर्थडे है, और इस बार और आई थिंक मुझे लगता है कि इस बार तो मुझे कुछ बहुत कड़े डिसीजन लेने पड़ेंगे अपनी जिंदगी के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आज 2 तरह के लोग हो गए हैं। एक वो लोग हो गए जो किसी भी तरीके से सफल होना चाहते हैं, एक को लेफ्ट लगाया, एक को राइट लगाया, साम दाम दंड भेद करके, और एक दूसरे डायरेक्ट सेलर वो हैं जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, लोगों को सिखा के काम करना चाह रहे हैं, लोगों को सिस्टम दे के काम करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर हमारी सक्सेस बहुत बड़ी नहीं होती, तो कहीं ना कहीं ये पूरी इंडस्ट्री में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये मैसेज चला जाएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इस तरीके से नहीं होती कि ग्राउंड में काम करो, लिस्ट बनाओ, इनवाइट करो, ये तो सब बेकार की बातें हैं। कंपनी में जाओ, कंपनी में खुद को बेचो, अपनी टीम का सौदा करो, कुछ लोगों को पैसे दो, और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी होती है। ये कौन कौन से लोग फैसला करेंगे इंडस्ट्री कहाँ जाएगी? तो मुझे तो, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं तो 8 अप्रैल से जो मेरा ये बर्थडे होगा, मुझे कुछ स्ट्रांग डिसीजन लेने होंगे। क्योंकि देखो, अब अगर आपको सीरियस होना पड़ेगा, अदरवाइज अगर आप देखें, अगर मैं आपको सिखा रहा हूँ 1000 लोगों की लिस्ट बनाना, तो ये चीजें आपको इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये हम लोग चौथी बार कर रहे हैं, और अगर आप इसको नहीं कर पा रहे, आप लोग नए लोग नहीं निकाल पा रहे, आप अपनी डाउनलाइंस को मीटिंग में नहीं ला पा रहे, दो अभी अभी जो मीटिंग का साइज है, आपकी खुद की मीटिंग का साइज 80-100 लोगों का हो जाना चाहिए था, जो हमारे साथ, हमारी जो कोर टीम है 25-30 लोगों की, तो 30 लोग, जब 30 लोग 100-200 लोगों की मीटिंग कर रहे होते हैं जूम मीटिंग में, जब 30 लोग फेसबुक लाइव कर रहे होते हैं, 30 लोग यूट्यूब लाइव कर रहे होते हैं, तो हम एक बहुत बड़ी कंपनी बनते हैं। बट क्योंकि आप ऐसा नहीं कर रहे, तो आपकी सक्सेस बड़ी नहीं हो पा रही, हमारी सक्सेस बड़ी नहीं हो पा रही, कंपनी का टर्नओवर बड़ा नहीं हो पा रहा। तो ये सब क्या है कि हम सबका ये एक समय है कि हम बहुत सीरियसली इस बिजनेस को लें, और इस साल क्योंकि हमें 100 करोड़ करना है, तो हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो हमने अभी तक नहीं किया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फेसबुक से पैसा कैसे आएगा? देखिए, 1000 एक रास्ते हैं। आप ऋषिकेश जाइएस ग्रुप में आप क्लिक करेंगे, 10,000 लोग मिल जाएंगे आपको, सारे के सारे लोग घर पे बैठे हुए हैं। यही ग्रुप आपका जयपुर में भी है, यही दिल्ली में भी है, यही बरेली में भी है, यही पुणे में भी है, यही नासिक में भी है, घर पे बैठे बैठे सब लोग घर पे बैठे हुए, हर आदमी घर पे बैठा हुआ है। कोई रामलीला, कोई रामायण देख रहा है, कोई महाभारत देख रहा है। क्या हम इस समय उनके पास पहुंच सकते हैं? ये एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और दूसरा, नई नई चीजें सीखने की, जैसे अभी आज मैं एक वीडियो देख रहा था कि बिजनेस टू बिजनेस, मतलब बिजनेस से बिजनेस कैसे करें, है ना। तो एक कोर्स जो मैंने खरीदा है, तो उसे सुन, मतलब आप जब नई नई चीजें सीखते हैं, तो आपको लगता है कि आप कितनी ज्यादा ब्लंडर्स कर रहे हैं, और कितना कुछ है सीखने के लिए, मतलब इतनी सारी चीजें हैं सीखने के लिए। तो समय अभी बहुत तेजी से निकल रहा है, और ये वो समय आ गया जब हम सबको जो कल लजेंद्र बाबा जी ने कहा कि टॉप 3 में 2025 तक VLCC को पहुंचाना है। तो देखिए, मेन क्या है कि
इस इंडस्ट्री को दिशा देने का काम कौन करेगा? आप वो यात्री होंगे जो पीछे बैठे होंगे, या वो ड्राइवर होंगे जो इस इंडस्ट्री को चला रहे होंगे? नाम उसी का होगा जो पेन लेगा, जो मेहनत करेगा, जो सिस्टम को लाएगा। और मैं आपको गारंटी करता हूं, जैसे कल मिस्टर बाबा कह रहे थे, हर बार वेलनेस इंडस्ट्री, हर बार रिसेशन के बाद डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उछाल आता है, क्योंकि लोग खोजते हैं कि क्या कर रहे हैं। जो चीज आपने समझा रहे थे एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, मल्टीविटामिंस के बारे में, वो सुनने को तैयार नहीं थे, लोग सुनना शुरू कर देते हैं। लोग खुद पूछते हैं, कुछ बताओ कैसे इनकम को बढ़ाएं। तो जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बताया जा रहा है, लेकिन वो फ्री टाइम में भी नहीं आ रहे हैं, तो ये भी एक सवाल हो सकता है। लेकिन क्या हम, लेकिन कितने लोगों को बताया हमने? क्या हमने जयपुर में रहने वाले 100 के 100 लोगों को बता दिया? कितने लोगों तक हम पहुंच पाए? देखिए, हम लोगों को बदलने के बिजनेस में नहीं है। मतलब जब से VLCC लॉन्च हुई है, हम कोशिश कर रहे हैं लोग बदलें, हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग बदलें, लोग बदलें, लोग बदलें। लोग अगर बदलने को, हम लोगों को नहीं बदल सकते, हम लोगों को खोज सकते हैं, हम बेहतर लोगों को खोज सकते हैं, हम लोगों को कभी भी बदल नहीं सकते। तो चलो, गोपाल जी ने कमिटमेंट किया है कि 8 अप्रैल 2020 के बाद इनके खुद के 100 लोग होंगे, तो हम इनके लिए अलग से जूम मीटिंग करेंगे। अगर आपके पास, हम आपके लिए अलग से जूम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। ये हम जो हमारा ये जूम मीटिंग है, अभी हमने इसको $15 पर मंथ, इट मीन्स हो गया आपका, अभी जैसे करीब करीब ये हमने 15,000 के आसपास का जो है ये लिया हुआ है। अगर आप कमिटमेंट दिखाते हैं, अगर हमें लगता है कि हमारे पास 3,000 लोग आ सकते हैं, हम 70,000-80,000 रुपये खर्च कर सकते हैं आपके लिए। तो सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हरे राम जी 25 लोग कह रहे हैं, 25 नहीं सर, आपको ज़्यादा करने पड़ेंगे 25 लोगों से। देखो, मेन मुद्दा क्या है कि अगर आपके 70-80 लोग आएंगे, तब जाके आपका 2.5-3 लाख रुपए का चेक आएगा। और इस ट्रेनिंग के बाद भी अगर आप इनको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग कैसे ग्रो करेंगे? नए लोग हम खोज सकते हैं। आप MLM डालिए, MLM डालने के बाद आपको MLM के लोग आपको दिखाई देंगे फील्ड में। MLM के लोग देखिए, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग MLM के ग्रुप्स कितने सारे हैं। MLM के ग्रुप्स में जाइए, और अगर आप ये सब कुछ कर चुके हैं, तो एक लिस्ट बनाइए, 9 लिस्ट, जिन लोगों ने आपको पास्ट में ना कहा था उनकी लिस्ट बनाइए, जिन्होंने आपकी कॉल्स का मैसेज से जवाब नहीं दिया उनकी लिस्ट बनाइए, उनको नए नए ऑफर्स बताइए। देखिए, इसमें क्या है कि दो चीजें हैं कि जैसे बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, हिंदुस्तान लीवर इतनी बड़ी कंपनी थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों फेल होगी? तो मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि एक 5 लाख करोड़ की कंपनी ने नेटवर्क मार्केटिंग करने की शुरुआत की थी 2003 में, और वो दिल से उसने काम किया, वो काम करना चाह रही थी, लेकिन वही सो कॉल्ड नेटवर्कर जिन्होंने उसको रिस्पांस नहीं दिया। और उस हिंदुस्तान लीवर को क्या फर्क पड़ा? हिंदुस्तान लीवर उस समय 10,000 करोड़ की कंपनी थी, आज 30,000 करोड़ की कंपनी है। एक बड़ी प्रोफाइल जब डायरेक्ट सेलिंग में आती है, तो ये हमारे लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इतना बड़ा ब्रांड नेम हमें मिलता है, तो हम उसको सीरियसली लें, हम उसको एक इतनी बड़ी ग्रोथ करके दिखाएं कि वो कंपनी कहे मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस तो छोड़ो, इसमें ही कुछ बड़ा काम करना है मुझे। लेकिन अगर हम बदलने को तैयार नहीं है, अगर हम टर्नओवर बढ़ाने को तैयार नहीं है, ज़्यादातर लोग, तो हम 100, 200, 500, 1,000 करोड़ पहुँचने में बहुत टाइम लगा देंगे, और बहुत सारे लोग हमसे आगे निकल जाएंगे। यस, तो जैसे यहाँ पे आपने नाम लिखा, नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी, क्या करता है, कहाँ से है, कैसे कॉन्टैक्ट हुआ था, कॉन्टैक्ट कैसे हुआ था, और रिमार्क क्या है। यस, तो ये इस तरीके से आप एक बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब लोग मिलते हैं आपसे पहली बार, जब लोगों से पहली बार मिलते हैं, तो एक डर सा रहता है कि यार लोगों से मिले कैसे। बींग अगर मैं एक महिला, फीमेल के लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि वो किसी फीमेल से मिले, लेकिन आप ये देखिए, आज मैंने जो कल आपसे शेयर किया था, 70-80% ग्लोबली अगर आप देखोगे, 70-80% महिलाएं हैं डायरेक्ट सेलिंग में।
जो फीमेल्स हैं, आपने अपनी अपलायंस से कितने मेल्स की कॉल कराई ताकि आप सीख पाए कि बात कैसे करनी है? और उसके बाद टपरवेयर एवॉन, जब हमने रात को पिछली बार जब हमने कैलकुलेशन मास्टरी में शेयर किया था प्लान एवॉन का, टपरवेयर का, ओरिफ्लेम का प्लान जब शेयर किया था, आपने देखा होगा डिफरेंशियल प्लान है, दो लेवल का प्लान है, तीन लेवल का प्लान है। आपने कितनी कोशिश की, कितनी कोशिश की उन महिलाओं तक पहुंचने की जो एवॉन करती थी कभी, जो ओरिफ्लेम करती थी, जो टपरवेयर करती थी, जो जाफरा करती थी, या आपने अपनी कितनी, आपने अपने किस अप्लायंस से बात की, अप्लायंस से पूछा कि मैं कैसे करूं, मैं कहां से निकालूं वो लिस्ट, वो फीमेल्स की लिस्ट मैं कहां से निकालूं? यस, तो देखिए इसमें क्या है, अगर वो फीमेल्स हैं वो फीमेल्स को देख सकती है, इंश्योरेंस में कितनी सारी फीमेल्स होंगी वो उनसे बात कर सकती हैं, कौन सी फीमेल अवॉर्न करती है, कौन सी फीमेल ओरिफ्लेम करती है, कौन सी फीमेल ब्यूटिशियंस, तो सारी फीमेल्स ही हैं। जब सुनील कुमार शर्मा जी बिल्ड कर सकते हैं बिजनेस महिलाओं के साथ जाके, तो जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो बहुत आसान है, उनके लिए तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है उनके लिए बिजनेस को बिल्ड करना, फीमेल टू फीमेल, मेल मेल क्या कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग आप SMS से भी कर सकते हैं, जो हमारी अब लास्ट टाइम जो लोग हमारी ट्रेनिंग में थे, इन्विटेशन ट्रेनिंग में, वहां पे हमने बात की थी कि कई बार हो सकता है कि आप कॉलिंग से पहले, कॉल करने से पहले आप मैसेंजर से बात शुरू करें, SMS से बात करना शुरू करें, व्हाट्सएप से बात करना शुरू करें। कई बार हम कंफर्टेबल नहीं होते किसी को लेके, हमने हाई किया, और ये भी हमने शेयर किया था आपसे जो सोशल मीडिया को काम पे कैसे लगाए, उस ट्रेनिंग में हमने आपसे शेयर किया था कि पहली बार जब आप बल्क मैसेज भेजते हैं तो आपको पहला वर्ड लिखना है हाई, क्योंकि आपने पहले ही प्लान भेज दिया तो ऑप्शन आता है किसका, ब्लॉक रिप्लाई, उसने ब्लॉक कर दिया आपको, जहां कुछ लोगों ने ब्लॉक किया आपको, आपका व्हाट्सएप नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा। हाई लिखेंगे तो हाई की जगह वो हेलो लिखेगा, तो आपका नंबर ब्लॉक नहीं होगा, क्योंकि पहली बार रिप्लाई आ गया उसके बाद नंबर ब्लॉक आपका नहीं होता। तो SMS की, SMS जैसे गाना है आज उनसे पहली मुलाकात होगी, तो पहली मुलाकात जब हम करना चाहते हैं किसी से, पहला कनेक्ट कैसे इनिशिएट करें, SMS से करें, ईमेल से करें, फोन से भी कर सकते हैं। जैसे यू वांट बेटर हेल्थ, पहले तो आप हाई लिखेंगे, हाई सामने से जवाब आया हेलो, तो आपने बताया माई सेल्फ सो एंड सो, मेरा नाम, मैं सो एंड सो हूँ श्रीनगर से, आप बताइए, तो ये है, तो आपने लिखा अगर आप मुझे, एक तो ये SMS हो गया, जैसे SMS डाल दिया आपने कि भाई किसी को बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, सपनों वाली लाइफस्टाइल चाहिए, संपर्क करें, नंबर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप SMS कर रहे हैं, VLC आपका नाम और VLC, ये आप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप सबसे बढ़िया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हाय मैं सो एंड सो बोल रही हूँ VLC वेलसाइन से, हम एक मिशन पे काम कर रहे हैं लोग, हम मैं हाय मैं महावीर बोल रहा हूँ VLC वेलसाइन से, और मैं राकेश रमोला बोल रहा हूँ VLC वेलसाइन से, और अगर आप मुझे एक मिनट का समय दे पाए तो मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहूँगा, कुछ शेयर करना चाहूँगा आपसे। बताओ सर, मैं तो अभी एक मिनट का 2 मिनट का समय मेरे पास। नो योर कस्टमर, और सर महावीर जी क्या करते हैं आप, मेरी तो कपड़े की दुकान है आजकल, और बट आजकल तो ताला लगा हुआ है दुकान में, आपको पता ही, घर पे बैठा हूँ, इस समय तो आपको बहुत समस्या हो रही है, समस्या, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, चलो गवर्नमेंट ने 3 महीने की EMI तो बंद कर दी, लेकिन बच्चों को भी तो खाना खिलाना है, फीस भी तो जमा करनी है बच्चों की स्कूल में, वो सब कहाँ से आएंगे? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मिनट पहले उसको जानिए, अपने कस्टमर को, उसकी जरूरत को समझिए, अभी कहाँ है वो, जाना कहाँ है उसे, जाएगा कैसे, ये थोड़ा सा आप कॉलिंग में कर सकते हो। उन्होंने कहा तो बहुत समस्या है सर, इसी का समाधान मैं आपको बताना चाह रहा था। बताओ सर, चलो मैं आपको एक व्हाट्सएप कर रहा हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप, बल्कि व्हाट्सएप भी नहीं, मैं एक काम करता हूँ सर, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ, हम लोग एक ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, मैं थोड़ा सा चेक करता हूँ कि क्या उसमें एक सीट अवेलेबल हो पाएगी आपके लिए, मैं आपको आधा घंटे बाद कॉल करता हूँ। आधा घंटे आपने कहा आज एक जूम मीटिंग है, और आप एक फटाफट से आप 5 बजे एंटर हो जाना, क्योंकि कल बहुत सारे लोगों के मुझे व्हाट्सअप भी आए, बाद में कॉल भी आया है ना कि आपने मुझे अलाउड नहीं किया, क्योंकि 100 लोगों का ही हमने अभी तक इसमें किया हुआ है, और जब आप रेगुलर ज्यादा लोग बढ़ेंगे तो हम उस पर भी करेंगे, क्योंकि तो ये क्लियर हो गया इस तरीके से। तो उनकी नीड आपने, फिर आपने उनको जूम मीटिंग में बुला दिया, जूम मीटिंग के बाद आपने अप्लाइंस से, देखिए इसमें क्या है कि शब्द पकड़ने वाली बात है, अगर
मेरे अपलाइन में, मेरे जो अपलाइंस हैं वो किसी से, देखो पहली 5-7 कॉल इस समय तो कोशिश कीजिए कि आप अपने सबसे बड़े जो अपलाइन है आपके, आपके जो अपलाइन डायमंड है, आपके जो अपलाइन डायमंड है, प्रेसिडेंट डायमंड, अपलाइन जो प्रेसिडेंट डायमंड है, ठीक है, उनको क्राउन डायमंड आपकी अपलाइन में, उनके साथ 3-4 कॉल, रोज 2 कॉल करो उनके साथ, सीखो वो कैसे बात करते हैं, सीखो उनसे ही सीखना पड़ेगा आपको, जो इनविटेशन स्किल्स में हम लोग बात करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी आपको, क्योंकि देखिए इसमें क्या है कि स्पीड चाहिए सबको इस समय, सबको स्पीड चाहिए इस समय, और 2020 को हमें हिस्टोरिकल बनाना ही बनाना है। तो इससे पहले कि आपकी अप्लायंस की कोर टीम में आप रह जाओ, फटाफट से आप उनकी कोर टीम में आ जाओ। तो अभी मैं आपको 2 बैनर भेजने वाला हूँ व्हाट्सएप में, ये बैनर जो है उन लीडर्स के हैं जिन्होंने पिछले, जिन्होंने लॉकडाउन में भी करके दिखाया। यस, तो बहुत ही खूबसूरत बैनर है, और देखिए हर वो एफर्ट हम लोग कर रहे हैं जो, जैसे हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत बैनर है मेरे हाथ में, जिसमें गौरा देवी जी हैं 1 पे सूरत से, 2 पे संगीता शर्मा जी हैं, और 3 पे सीमा सिमवाल जी हैं, और बाकी 4 लोगों के नाम मैंने और डाले हैं इसमें। और दूसरे में अगर आप देखेंगे, सपना सराफ जी हैं बिलासपुर से, रवि प्रकाश जी हैं गोरखपुर से, दिव्या जी हैं चुरू से। तो ये मैं आपको भेजने वाला हूँ, और शाम की जो मीटिंग्स होगी, मैं अगली जो मीटिंग्स होगी कल, हम लोग कोशिश करेंगे इसमें हम आपको शेयर करें इन फोटोग्राफ्स को। तो देखिए मेन क्या है कि सक्सेस के लिए मेहनत कीजिए, और कंपनी को बड़ा होना ही होना है, VLCC को तो बड़ा होना ही होना है। एक 1.5 करोड़ की कंपनी 15-20-50 करोड़ का बिजनेस करने डायरेक्ट सेलिंग में नहीं आई है। लेकिन देखिए इसमें क्या होगा कि अगर अमीषा पटेल ने अपने आप को नहीं बदला, कहो ना प्यार है सुपरहिट, गदर सुपरहिट, आज अमीषा पटेल को कोई नहीं जानता। आप किसी से पूछोगे अमीषा पटेल कौन है, किसी को नहीं पता। वेग मुस्कान की पहली पिक्चर सौदागर, सुपर डुपर हिट, आज कोई नहीं जानता। लव कपूर की पहली पिक्चर सुपर हिट, आज कोई नहीं जानता। अगर देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट मूवर जो होते हैं अगर वो बदलते नहीं है तो वो भुला दिए जाते हैं। हम सब लोग फर्स्ट मूवर हैं VLCC में, लेकिन अगर हम नहीं बदले तो इतिहास हमें याद नहीं रखेगा। कल के दिन हम लोगों को कहानी बता रहे होंगे कि देखो वो ये जो वो बंदा जो था मेरे बाद आया, लेकिन आज देखो वो 1.5 करोड़ रुपए कमा रहा है महीने के। तो कॉल करना है आपको, सेल्स प्रोसेस एंड क्लोजिंग, ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसपे हम लोग बात करेंगे, और हमारा मकसद यही है आप सबसे बात करने का और बार बार बात करने का कि आप इस बिजनेस में, कि आप इस बिजनेस के फाउंडर लीडर हैं। और जब 2020 एक ऐतिहासिक साल बनने वाला है, जब इस फाइनेंशियल ईयर में हम 100 करोड़ की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो 100 करोड़ आप ही लोगों के थ्रू आए तो बढ़िया रहेगा। जब, और हमारा जो प्लान है 100 करोड़ रुपए जब कंपनी बांट रही होगी, तो 45 करोड़ रुपए बट रहा होगा, उस 45 करोड़ में से आपका हिस्सा कितना होगा, ये आपको डिसाइड करना है। तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं आज की। इस आपके पास कोई आइडिया है लिस्ट को बढ़ाने का तो आप दे सकते हैं, आप मुझसे भी शेयर कर सकते हैं, और ये PPT मैं आपको ये भेज दूंगा PPT। तो आपके पास कोई आइडिया है? अनिल कुमार शर्मा जी हैं हमारे साथ गंगानगर से, सर कुछ पूछना चाह रहे हैं। अनिल जी बताइए। हेलो अनिल जी ने शायद पहले हैंड रेज किया था, अभी वो है नहीं हमारे साथ। और कोई सवाल है किसी का जो हमारे साथ है अभी यहाँ पे, आज की ट्रेनिंग को लेके कोई सवाल किसी का? किसी का कोई सवाल नहीं है, तो ये या तो ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी, या इस ट्रेनिंग में किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। तो एक पॉइंट ले लेते हैं सबसे, चलते चलते एक पॉइंट ले लेते हैं सबसे, जो भी हमारे साथ लीडर्स हैं आज, आपको क्या क्या चीजें समझ में आई है, इसको हम लोग एक बार वन बाय वन
डिस्कस कर लेते हैं अपने हमारे जो भी लीडर्स हैं उनसे।